तो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम लेकर आए हैं रीजनिंग का बेहतरीन सेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का जो ये सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो सभी बच्चे एक बार लाइव हो जाए, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और इसमें भाई शेयर कर दें। और सभी बच्चे जो हम लोग टारगेट डेली लेकर चलते हैं कि सर टारगेट जो रहेगा 25x25 का, तो आज आप लोगों को ये प्रूफ करना होगा कि सर 25x25 आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हैं और स्क्रीन पर आता है आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो सभी एक बच्चे एक बार लाइव हो जाएंगे और इसका बेहतरीन सा आंसर देंगे। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे लाइव हो जाएंगे और इसका बेहतरीन सा आंसर देंगे। टाइम अब शुरू, टाइम आप लोग अब शुरू होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और फिर आंसर दीजिएगा। अच्छा एक बात और है, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, जल्दीबाजी में बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे। तो टाइम स्टार्ट हो गया है और आंसर आप लोगों को देना है, बिल्कुल हम साइड हो गए हैं। रिचा शर्मा जय श्री राम भाई, रामराज गुड इवनिंग भाई, रवीश कुमार हेलो भाई, ठीक बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से सब लोग आंसर देंगे एक बार सभी स्टूडेंट। अरे टाइम कितना ज्यादा हो गया, जैसे हम कमेंट पढ़ते हैं टाइम ज्यादा होता है। अच्छा एक बात बताइए भाई, हेलो हो गया, गुड इवनिंग हो गया, ठीक है भाई, राम राम हो गया, जय श्री राम हो गया, आप जल्दी से आप लोग बताइए आंसर क्या रहा है। अच्छा हम साइड तो हट ही गए, अब वाह क्या बात है, मतलब आंसर नहीं दोगे आप लोग, ये ठान लियो कि सर आंसर नहीं देना। कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल भाई जय श्री राम, लेकिन आंसर तो बताइए क्या आएगा। रवीश कुमार हेलो भाई, ठीक बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से आंसर तो नहीं दोगे। अच्छा मालूम है कुछ बच्चे आंसर क्या देंगे, जल्दीबाजी में जो हमने देखा है वो करेंगे क्या, देखो लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले तो हम लॉजिक आप लोग बता दें, लॉजिक कौन सा लग रहा है। अगर आप लोग देखो भाई 11, 9, 20 इनको जोड़ा, जोड़ लो 11, 9, 20 हुआ कि नहीं हुआ, 20 और ये 6, 26। सर हम ये कह रहे हैं कि 11+9+6 यानी ये हो गया आप लोग का टोटल कितना, 26। और बच्चों एक बात बताओ, अगर 13 बनाना है तो 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, तो यहां पर 13 बन गया है कि नहीं, आपने बोला जी गुरुजी। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसको बिना देखे यहां पर क्या करेंगे, करेंगे सर ये हो गया 15, 10, 35, 36 और डिवाइड कर देंगे 2 से और आ जाएगा 18। एग्जाम में ऐसी गलतियां होती है और कहेंगे सर ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। और मालूम है क्या होगा, एग्जामिनर इसको काट देगा, सर गलत है। एक बात बताएगा, एक बार जितने भी डायग्राम है सबको चेक कर लेना, इसमें 2 का डिवाइड किया, अब देखो भाई क्या हो रहा है, यहां पे लॉजिक क्या लग रहा है। सर ये लॉजिक नहीं लगेगा, क्यों, ये लॉजिक इसलिए फेल होगा, इसमें फॉलो नहीं कर रहा। कैसे सर ये बताओ, 13, 5, 18 और 18, 12 कितना होगा, आपने बोला सर 18, 12, 30 होगा। अच्छा जब 30 में 2 का डिवाइड करोगे तो क्या 10 आएगा, कभी नहीं आएगा। आपने 2 का डिवाइड यहां किया पर 13 आ गया, यहां पर कितने का डिवाइड करें कि 10 आएगा, तो आपने बोला सर 3 का डिवाइड करो तो 3 × 10। दिमाग की बत्ती जल रही है, सबको जोड़कर पहले 2 का डिवाइड करेंगे, फिर सबको जोड़कर दूसरे में 3 का डिवाइड करेंगे, अब सबको ऐड करके इसमें 4 का डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर सबको ऐड करेंगे ये 36 आ रहा है और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटता है, 4×9=36 और यहां पे 9 हमारा राइट आंसर होगा और बी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। बोलो भाई कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बोला है, कितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, बहुत शानदार। मिथुन घोष आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। राधा देवी भाई ऑप्शन 18 गलत, हमें पता था 18 देंगे, बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, इसके बावजूद आप लोग गलतियां करते हैं। तो बड़े गौर से पहले डायग्राम को देखिएगा, इसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा, पहले आप लोगों को डायग्राम को देखना होगा फिर कोई डिसीजन लेना होगा। देखो भाई क्या बोला गया है, सभी बच्चों को आंसर देना होगा, पहले आप लोग डायग्राम को देखिए फिर डिसीजन लीजिए, ठीक है। बहुत शानदार, सभी बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई, एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दें, जितने हमारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं एक बार लाइक तो कर दें वीडियो को भाई, लाइक के बटन पे एक बार भाई आप लोग थंबनेल कर देंगे, लाइक तो कर दीजिए। देखो कितनी कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो भाई। अरे टाइम इज ओवर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात बताइए आंसर कितना आ रहा है, सभी स्टूडेंटों को आंसर देना होगा। सर साइड तो आई हो ही गए हैं, बताओ अब कितना साइड चाहिए, बिल्कुल हम साइड हो गए, बारी आप लोग ही है, ये बारी आप लोग ही है कि आंसर क्या दोगे। यहां पे सर जियाउलक गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हाँ क्लास स्टार्ट है, आंसर नहीं दे रहा 368। मिथुन घोष क्या कहना चाहते हो 368,
368। अच्छा ठीक, जो मिथुन घोष कहना चाहते हैं बिल्कुल सही कहना चाहते हैं। अच्छा हमारी एक बात मानोगे, दिल खोल के मेरी एक बात सुनिएगा, अब सुन लो सर। ये डायग्राम जो है ना, डब्बे के अंदर डब्बा, आपने बोला जी सर डब्बे के अंदर, अरे देखो भाई ये डब्बे के अंदर डब्बा है, यानी सेम वही डायग्राम। आपने बोला जी ये कौन सा है, एक। अच्छा और कोई डायग्राम, यस सर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, सेम डायग्राम इसके अंदर है। सर सर्कल के अंदर सर्कल है, यानी सेम डायग्राम। यानी आपने बोला सर एक चार और नौ ये एक सेट में कहीं ना कहीं होंगे, एक चार नौ एक सेट में होंगे, आपने बोला जी सर। अच्छा एक बात बताओ, देखो कहीं एक चार नौ है, बोलो भाई एक चार नौ मिला, आपने बोला जी सर ऑप्शन नंबर बी में एक चार नौ मिला, रहे वाह कितनी अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे एक बच्चे ने शायद मिथुन घोष ने आंसर दिया था कि सर 368, जरा देखते हैं 368 क्या है। तीन, देखो भाई ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक लाइन है, सिक्स यानी ये जो डायग्राम है इसके अंदर एक लाइन है, और एट में ये जो डायग्राम है इसमें एक लाइन है। बहुत बढ़िया भाई 368 कितनी अच्छी बात है, बचते केवल यही है ना, दूसरे में दो लाइन सर, पांचवे में भी दो लाइन और सातवें में भी दो लाइन, यानी दो पांच सात, तो दो पांच सात होगा। देखो भाई कहीं ये सेट बना है, यस सर 1492573 68, तो ये हमारा ग्रुप बिल्कुल अलग होगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बात समझ में आ गई, इतना हम समझ रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिएगा, ऐसा मत करना कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं आता, आप ही लोग को आंसर देना होगा, बस बड़े आराम से देखना होगा, इसीलिए हम आप लोगों को सफिशियंट टाइम दे रहे हैं। जिस तरह से भी एटमॉस्फेयर है, 30 सेकंड बहुत पर्याप्त होता है आप लोगों को सोचने समझने के लिए। हाँ बिल्कुल साइलेंट हो जा रहे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर कृपया जब आप टाइम दिया करें तो प्लीज बिल्कुल मत बोला करें, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, इसके बाद वायलेंट करेंगे। कीजिए आप लोग, आंसर तो पढ़ सकते हैं। राधा देवी बी, ठीक है भाई। आलोक कुमार बहुत अच्छा आंसर भाई। रामराज बी ऑप्शन बहुत अच्छा। मिथुन घोष ठीक। जियाउल हक बहुत बढ़िया भाई। अरे टाइम तो नहीं हो गया, अरे कितना ज्यादा टाइम हो गया भाई। अच्छा बताओ कितना आंसर आना चाहिए, एक बार जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे, एक बार आप लोग आंसर बता दो। चलो आप लोग का टाइम गया, अब हमारी बारी स्टार्ट। एक बात बताइएगा सर, आपने बोला जी सर अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अरे देखिए भाई 8 इंटू 9 अगर दो का डिवाइड कर दे तो यहां पे गया 4, यस सर 9 चौका 36, और अगर इसका रूट ले लोगे तो आ जाएगा 6। बात समझ में आई, हम कह रहे हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दो का भाग दे दो। तो सर एक बात बताओ, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दो का डिवाइड करोगे तो 7 7, अरे भैया एक काम करो दो से काट दोगे तो बचेगा 7, अगर ये दो से कट जाएगा तो 7 बचेगा, 7 7 49, और 49 यानी 7 का स्क्वायर होता है, ये 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, दो का डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 2, 8 2 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, बोलोगे 4 का स्क्वायर होता है। तो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, 4। देखो कहीं ऑप्शन में 4 है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये बताइए कितने बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर दिया है, बहुत शानदार 4 और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताना है आप लोगों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन देखो भाई 25x25 की बात है, बिल्कुल ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही नंबर बिल्कुल बेकार हो। आप लोग कंटिन्यू जब ये पूरा सेशन खत्म होगा तो आप लोग मन में देखो कि सर आपने कितना किया, मन का मतलब कहीं लिखोगे तभी तो पता चलेगा। करो भाई जल्दी से कीजिए, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया शानदार भाई, हम बिल्कुल साइड हो गए, अब ये मत करना कि साइड नहीं हुए हैं। आलोक कुमार ए, मिथुन घोष 4, रविश बहुत अच्छा, बहुत गजब बहुत अच्छा, चंदू राज चंदन ठीक, बहुत बढ़िया भाई। आंसर क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग, ये तो बताइएगा, आंसर दे नहीं रहे आप लोग। अच्छा टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा बताओ क्या आंसर होगा, कहा गया सभी झोपड़ियां हवेलियां, आपने बोला जितनी भी सभी झोपड़ी क्या है बच्चों, तो यहां पे सभी झोपड़ी जो है हवेली है, सभी झोपड़ी क्या है हवेली है, आपने हवेली कर दिया। अब ये कहा गया है कि सभी हवेली, दूसरा नंबर क्या है सभी हवेली, तो सभी हवेली क्या है मंदिर हो जाएगा, ये मंदिर हो गया। अब पढ़िए सर निष्कर्ष क्या है, कुछ मंदिर झोपड़ियां हैं, क्या ये बात सही है सर, कुछ मंदिर झोपड़ी हो सकती है, बिल्कुल सही है, कुछ मंदिर हवेली है, तो क्या बताओ कुछ मंदिर हवेली हो सकती है, बिल्कुल सही है सर, दोनों ही सही है, तो बोलोगे पहला और दूसरा दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग का भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा होगा, तो बहुत शानदार। अरे 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 रवीश कुमार,
कौन है अनिकेत राज, बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ही दिल तोड़ दे रहे हैं भाई, बिल्कुल ही गलत आंसर आप लोग दे रहे हैं भाई, ठीक है। प्रताप सिंह का केवल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रहा टाइम स्टार्ट भाई, टाइम स्टार्ट करते हैं केवल 30 सेकंड, बिल्कुल भाई बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, इसके बाद वायलेंट करेंगे, तब तक आप लोग सोचिए समझिए और जवाब दीजिए, बिल्कुल हम साइलेंट है, कुछ नहीं बोलेंगे, कमेंट तो पढ़ लें, नहीं तो कोई कमेंट भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है बता दो आंसर क्या रहा, विनीता कुमारी सी, राधा देवी सी, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, एक बार सभी बच्चे आंसर देंगे, बताइए जवाब क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है टाइम इज ओवर। अच्छा मेरी एक छोटी सी बात सुनिएगा बड़े आराम से, जितने भी स्टूडेंट है एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, अगर हम एक काम करें, आपने बोला सर बताइए लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम यहां पर एक काम करें सर सुनिएगा, अगर दुगना कर दे 15 का, हमारी बात ये सुनिएगा, अगर 15 का दुगना करके 6 जोड़ दे तो कोई बात, आपने कहा सर कुछ नहीं, 15 दूनी 30, 6 जोड़ दिया 36, अगर हम इसमें 15 में 4 का गुणा करके 6 जोड़ दे तो 15 चौका 60 और 6 66, क्या वो चीज इसमें हो रही है, तो 16 दूनी 32 नहीं बिल्कुल नहीं भाई, 16 का गुणा दुगना करके 6 जोड़ो नहीं आएगा, 14 दुनी 28 और 28 6 कितना होगा, तो आपने बोला 34 बहुत बढ़िया, लेकिन 14 चौका कितना होगा, 14 चौका 56 अरे ये तो ये गड़बड़ हो गया सर, अब देखो 13 दुनी 56 नहीं बिल्कुल नहीं, अब आ जाओ भाई क्योंकि 13 चौका 52 हाँ एक मिनट भाई रुक जाओ, ऑप्शन नंबर थर्ड सॉरी कौन सा देखना है, ऑप्शन नंबर हमें देखना है भाई याला सी, शायद सी सही लग रहा है, देखो भाई क्या कहा गया है, अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 13 दूनी 26 और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा 32, 26 में 6 जोड़े 32, 13 चौका 52, 4 बार मल्टीप्लाई करो 13 चौका 52, 6 जोड़ेंगे तो 52 6 58, यानी जो सेट इसमें हो रहा है सेम वही लॉजिक इसमें लग रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने भी यही जवाब दिया होगा, तो बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइएगा ऐसा तो नहीं कि आप इस क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे भाई, ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए आप लोगों को 30 सेकंड दिया जा रहा है कि बिल्कुल आप लोग गलत नहीं करेंगे और बेहतरीन तरीके से आंसर देंगे, तो बताइए आंसर क्या आ रहा है, सभी बच्चे एक बार बेहतरीन वाला आंसर बताएंगे, एक बार जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल सही भाई आलोक ने सी दिया था, ठीक है निखिल, राधा देवी बहुत बढ़िया, शानदार भाई सबका बहुत अच्छा आंसर, रवीश कुमार कोई नहीं भाई गलत हो सही होता रहता है, ये बताइए क्या आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, क्या आंसर होना चाहिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है भाई, क्या दे रहे हैं सर 4 का होना चाहिए, अच्छा 4 का दे रहे हो, इसका आंसर नहीं बता रहे हो, एक बात सुनिएगा, अभिमन्यु ने कहा, एक लड़के ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते, अच्छा बताओ मेरी मां के पोते, तो मेरी मां के पोते का मतलब हमारा बेटा ही तो हुआ ना, तो कहा गया अभिमन्यु बोलता है कि ये जो लड़की है ना वो मेरी मां के पोते, मेरी मां के पोते की पत्नी है, तो मेरे मां के पोते यानी मेरे बेटे की पत्नी है, और मेरे बेटे की पत्नी है तो बताओ हम उसके क्या लगेंगे ससुर, तो पूछा गया अभिमन्यु उस लड़की का क्या लगेगा, तो बोलोगे सर फादर इन लॉ ससुर लगेगा, बात समझ में आ गई, कोई पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज से ही क्रैक कर दो सारी बात समझ में आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी, अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, करो भाई ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में हो जाएगा, लेकिन आप लोग को यहां पे 30 सेकंड दिए जाते हैं, इसके बावजूद भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल गलत नहीं करना है, हाँ सभी बच्चे आंसर देंगे भाई, आलोक कुमार ठीक, प्रताप सिंह, रवीश कुमार, ऋचा शर्मा डी, बहुत बढ़िया भाई ठीक है, कीर्ति, सुधा मिश्रा डी ऑप्शन, रवीश कुमार भाई ये बताइए इस क्वेश्चन का, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहा है, अब सुन बड़े गौर से देखें कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तो नवीन कुमार शर्मा बहुत शानदार 392 आपका आ रहा, बहुत बढ़िया शानदार, देखो क्या किया जा रहा है, अगर हम यहां पे 25 का स्क्वायर कर दे बच्चों तो ये हो जाएगा 625 और 625 का अगर दुगना कर देंगे तो आ जाएगा 1250, तो वो काम क्या यहां पे किया जा रहा है, यस अगर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा और
अगर हम इसका दुगना कर देंगे तो यहाँ पे 6 2 12 9 3 18 19 और यहाँ पे 2 1 2 1 3 392 आएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया और कहा गया है कि 4 ऑप्शन है जिनमें से 3 एक समान है और एक बिल्कुल हटके होगा, तो ये ऑप्शन कौन है जो बिल्कुल ही अलग होगा, ये आप लोगों को पहचानना है। स्टार्ट कीजिए, टाइम स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया भाई, आलोक कुमार ऑप्शन नंबर ए, नवीन कुमार ठीक है भाई, 7B अलगर सैमी, बी रिचा शर्मा बहुत बढ़िया भाई, मिथुन घोष 392, रवीश कुमार 392 बहुत शानदार भाई, जियाउल हक डी बहुत बढ़िया। बच्चों अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, 8 का ही लिख देना भाई, सभी बच्चों को 8 लिखना होगा यहां पर। तो मिथुन घोष बोल रहे सर यहां पे, चलो भाई स्टार 2 भाई क्या, अच्छा 7 2, राधा देवी बोल रही ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, आप लोग क्यों गलतियां कर रहे हो, छोटी सी बात बिल्कुल डिफरेंट सुनना है आप लोगों को, पता है ये 4 है, यस सर, अगर 4 है तो 4 में 2 का गुणा करो 4 2 8 ये 8 आ गया, अगर ये 10 है तो 10 में 2 का गुणा करो ये 20 आएगा 20 हो गया, सर ये 6 है तो 6 में 2 का गुणा कर दो 12 आ जाएगा, इसी प्रकार ये 7 होगा तो 7 में जब 2 का गुणा करोगे तो यहां पे 14 यानी एन आना चाहिए, कितना आ रहा है पी, तो ये गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मिथुन घोष आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो भाई बताइएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसका जवाब देना होगा, बताइएगा। टाइम स्टार्ट, ओनली 20 सेकेंड, वैसे तो ये 20 सेकेंड का भी नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों को समय देते हैं, जल्दी से सभी बच्चे स्टार्ट करेंगे और आंसर देंगे। बताइए इस क्वेश्चन में क्या लॉज, अरे डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, एक बार नंबरिंग कर दिया सर, 9 का कौन सा होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, नंबरिंग जरूर करना है भाई। नवीन कुमार ठीक है भाई, बहुत बढ़िया शानदार। अरे बच्चों टाइम इज, और मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा तो लॉजिक लगा और आंसर दे दो, एक बार तो आंसर दे दो आप लोग भाई। एक बात बताइएगा सर, ये जितने भी डायग्राम आप लोग दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, ये देखो दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, लेकिन सर ये जो है एक लिंक द्वारा आप लोग का दूर है, ये अलग है और ये अलग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। जल्दीबाजी में और बिना सोचे समझे कभी ये मत कह कि सर ऑप्शन नंबर डी है, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन 4 को टिक कर रहे हैं, तो ये गलत होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा और 2 का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई होगी, कितने स्टूडेंट ने आखिर ऑप्शन नंबर डी का जवाब दिया है, तो बहुत शानदार बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यह कहा गया है कि जो ये सीरीज दी गई है, सभी स्टूडेंट बड़े गौर से देखेंगे, जो आपके सामने ये सीरीज दी गई है इसमें एक संख्या जो है रॉन्ग है और ये आप लोगों को फाइंड कर रहे हैं कि आखिर कौन सी संख्या है जो रॉन्ग है। टाइम स्टार्ट, बताइएगा सभी स्टूडेंटों को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। देखिए इसमें क्या गलत है, कोई ना कोई चीज एक रॉन्ग है। हां जी जल्दी से बताइएगा क्या रॉन्ग है। देखिए टाइम इज ओवर ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा समय दे देते हैं, बताओ भाई क्या होगा। बच्चों आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, हम बिल्कुल साइड हो गए भाई, बताइए आप लोग, तो सर साइड नहीं होते, हम बिल्कुल साइड हो गए, जवाब आप लोगों को देना है। अच्छा अब तक तो आप लोग दिए नहीं, यहां पे कोई भी आंसर नहीं दे रहा, अब देखिए बारी क्या है। अगर हम देखो लॉजिक क्या लग रहा है, आप लोग ने लॉजिक जल्दीबाजी में मालूम क्या लगाया होगा, आपने कहा होगा सर ये 21 है, ये 23 है, ये 25 है, 27 है, अल्टरनेट लगा दिए गए होंगे। बोलो भाई अल्टरनेट लगाए होंगे, इसमें रॉन्ग पूछा गया, गलत क्या है भाई। अगर आप 21 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 21 होगा 84 होता है ना, आपने बोला जी सर। अब सुनिए, अगर 23 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 138 आएगा, आपने बोला यस सर। अगर आप 25 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, आप बोलोगे सर 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 200 होता है,
लेकिन यहां पे तो 192 दिया है, तो बिल्कुल रॉन्ग क्या होगा 192, क्योंकि 27 में 10 से गुणा करो 270 आ रहा है, और 29 में अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, और 31 में अगर 14 से गुणा करेंगे तो आप लोग का 434 आएगा। तो बिल्कुल रॉन्ग क्या है, ये हो जाएगा 192, इसके स्थान पे 200 आना चाहिए, इसलिए राइट क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। बताइएगा क्या आप लोगों ने सही जवाब दिया, इतना बस बोलना है। तो बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसा तो नहीं कि इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे, सर केवल 20 सेकंड, जो क्वेश्चन का मूड है मूड के अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों को टाइमिंग डिसाइड करेंगे किसको 20 सेकंड और किसको 30 सेकंड, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड के ऊपर नहीं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे बेहतरीन वाला। अरे तो तुरंत आप लोग दे सकते हैं भाई, ठीक है। नवीन कुमार बिल्कुल सही भाई, गलत है। अच्छा टाइम इज ओवर, केवल 20 सेकंड। हाँ भाई बताइए क्या आंसर होगा, एक बार आप लोग बता दो, इस बार हम नहीं बताएंगे, आप लोग तय करेंगे और आप ही लोग बताएंगे क्या आंसर देंगे भाई। आलोक कुमार जी जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। अरे आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा भाई। कुल का मतलब होता है टोटल और आंशिक, मतलब कुल अलग चीज है, आंशिक अलग है। आंशिक का मतलब है थोड़ा सा, पार्शियली। तो ये हो गया कुल और ये हो गया थोड़ा। एक बात बताएं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, जैसे कि हमारे पास सब कुछ है और दूसरा जगह हमारे पास थोड़ा है, यानी एक के पास ज्यादा एक के पास कब, विलोम हो रहा, अपोजिट हो रहा है। तो अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराहट का अपोजिट क्या होगा, क्या जिम होगा, कभी नहीं। अभिव्यक्ति होगा, कभी नहीं। बोलना होगा, कभी नहीं। मुस्कुराहट का अर्थ जो है, कहोगे सर ये भी नहीं पता, आप तो बोलोगे सर भ्रूभंग भी नहीं पता है, भ्रूभंग। अच्छा देखो भ्रू, ये बताओ भौरे जानते हो, भौरे जब आप लोगों को गुस्सा आता है तो ऐसे देखते हो, मतलब भौरों को बिल्कुल से चढ़ा लेते हो, तो सर वही है आप लोगों का गुस्साना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूभंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। सर इसको अंग्रेजी में फ्रॉन भी कहते हैं, तो सर गुस्साना ये हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी जिसको हम लोग भ्रूभंग कहते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या आप लोग भी सही जवाब दे रहे हो, तो बहुत शानदार, सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां जी बताइएगा आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बोलो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों इसी के लिए सोचने के लिए 30 सेकंड दे रहे हैं, 20 सेकंड नहीं देंगे भाई। चलो आप लोग जो है 30 सेकंड ले लीजिए, अब जवाब दीजिएगा, लेकिन गलत मत दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब बिल्कुल बढ़िया वाला आना चाहिए, बहुत शानदार भाई। राधा देवी बी, ठीक है। विनीता कुमारी, कुलदीप कुमार है, नवीन है, बहुत अच्छी बात है। ऋचा शर्मा है, जियाउल हक है, कीर्ति सुधा मिश्रा, बहुत अच्छा लाजवाब आंसर दे रही भाई। सब लोग कीजिएगा एक बार, जल्दी से आंसर बताइए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है। एक बार तो आप लोग राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 और बेहतरीन वाला आंसर। अच्छा लॉजिक क्या लग रहा है, कुलदीप कुमार बी बोलना है आप, ठीक है। पहले वाले का आंसर, नवीन कुमार सी डी, पहले वाला। सब बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्यों आप लोग भाई पीछे हट जा रहे हैं। 12 का सी भाई, ये जो मिथुन घोष है ना, वास्तव में भाई सही बता रहे हैं कि मिथुन घोष रीजनिंग बड़ी अच्छी है आपकी भाई, हमने ये देखा है। मिथुन घोष जो है बिल्कुल बढ़िया आंसर देते हैं, अपनी दिल खुश करने वाला। देखो भाई हो गया रहा, अगर आप यहां पे देखोगे आई बराबर 9 तो 9 × 2 = 18, लेकिन सर यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है जिसका दुगना करने पर 61 है। दूसरा लॉजिक, अगर ये आर है तो इसका अपोजिट आई होता है, 61 का अपोजिट बिल्कुल नहीं। अब देखो क्या करेंगे यहां पर, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 8 × 1 = 9 होगा और आई बराबर 9, तो इन दोनों को जोड़ो आएगा 7, लेकिन जी नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या कहीं जी है नहीं है। अब क्या हो रहा है, तो अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, आई बराबर 9 होता है और इसको अगर हम पलट दे 18 को 81 लिख दे तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ, आपने बोला यस सर। तो अगर 61 को पलट दे तो ये बन जाएगा 16 और 16 किसका स्क्वायर होगा, तो बोलोगे सर डी का जो स्क्वायर होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 4 किसकी वैल्यू होती है, डी की वैल्यू। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, यहां पे आप लोगों का डी आ जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संख्याओं को पलट कर जो अंक है उनको पलट कर स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, बिल्कुल गलत जवाब नहीं देना, क्वेश्चन नंबर 13 और ये रहा टाइम स्टार्ट, बिल्कुल बढ़िया से सेट करना है और इसका सही जवाब देना है। तो एक बार सभी बच्चे स्टार्ट करें इस वीडियो को और बढ़िया वाला जवाब दें। हाँ भाई बिल्कुल साइड हो गए हैं, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है।
बिल्कुल टाइम मिलेगा आप लोगों को भाई, पूरा सफिशियंट टाइम मिलेगा, ये मत सोचो सर टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल टाइम देंगे आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई इसमें सबसे पहले क्या किया जा रहा है, जल्दी से एक बार आप लोगों को देखना होगा, जितने स्टूडेंट है भाई देखो 40 सेकंड आप लोगों को दिया, देखो लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों, एक मिनट भाई, 6 फ्रेंड है, कितने फ्रेंड है 6, तो आपने ये बना लिया 6 फ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है, 6 फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फ्रेंड है। अब सुनना क्या बोला गया है, एल ओ के लेफ्ट थर्ड प्लेस पर बैठा है, जो एल है ना एल, वो ओ के लेफ्ट, तो ओ के लेफ्ट में पहले पर नहीं, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर कौन बैठा है, एल बैठा है, बात समझ में आ गई, ये लाइन खत्म। एम ओ के राइट में सेकंड प्लेस पर बैठा है, जो एम है ना वो किसके राइट में, ओ के राइट में सेकंड प्लेस पर बैठा है। अब सुनिएगा आगे, एन पी के राइट सेकंड प्लेस पर बैठा है, एन पी के राइट, ये बात नहीं पता चल रही भाई, एन पी के राइट सेकंड प्लेस पर, ओ और देखो भाई क्यू और ओ के बीच में केवल बी बैठा है, तो Q और O के बीच में अगर यहां पे Q मान ले, तो Q और O के, O और Q के बीच में, O और Q के बीच में केवल P बैठा है, बचता क्या है, केवल N। अच्छा देखो ये एक लाइन थी, N P के राइट सेकंड प्लेस पर बैठा है, कि ये बात सही है, N P के राइट में सेकंड प्लेस पर बैठा है, बात बिल्कुल सही है। क्या पूछा गया है, M और Q के बीच में कौन बैठा है, तो M और Q के बीच में इकलौता L बैठा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग भी यही आंसर दे रहे हैं, सही बताना बिल्कुल दिल खोल के, क्या आप लोग का यही आंसर आ रहा, बिल्कुल शानदार, ऑप्शन नंबर ए यानी L, ठीक है भाई। अब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि नहीं सर हम ये नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन हर हाल में आप लोग को ही सॉल्व करना होगा, बिल्कुल छोटा है, बहुत मतलब इजी है, केवल 20 सेकंड, ठीक है 30 सेकंड नहीं, ओनली 20 सेकंड, सभी बच्चे आंसर देंगे भाई एक बार, सभी स्टूडेंट बढ़िया वाला आंसर देंगे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए। अरे 20 सेकंड टाइम इज ओवर, अब देखो लॉजिक क्या लग रहा, अगर हम यहां पे देखो भाई हो क्या रहा है, 12 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25, इसी प्रकार अगर 9 में 2 का गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 और 1 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 19 और 19 बराबर होता है S और S का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये बताइए क्या आप लोग ने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, बहुत शानदार, सभी बच्चों का बहुत बढ़िया है भाई, देख लेते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुणाल देवगन, मिथुन घोष, रवीश, सभी बच्चों का बढ़िया बेहतरीन वाला आंसर। अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या गलत तो नहीं दोगे, ठीक है भाई, सभी बच्चे भाई देखते हैं ब्लड रिलेशन में पता नहीं क्यों आप गलतियां कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। एक आदमी, टाइम स्टार्ट, अब हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलना ही नहीं, प्लीज साइलेंट साइलेंट रहेंगे, साइड हो जाओ, अभी साइड हो गए, बिल्कुल हम साइड हो गए हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आंसर, सभी बच्चों का बहुत बढ़िया आंसर है भाई, लवेश मीना, बहुत बढ़िया लाजवाब। अरे बच्चों टाइम इज ओवर भाई, टाइम तो ओवर हो गया है, आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं भाई। अब देखिएगा आलोक कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर एक आदमी ने एक महिला से कहा, सुनिएगा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कहा, तुम्हारी मां के पति, अच्छा तुम्हारी मां के पति उस महिला से कह रहा है, तो भाई उस महिला के पापा हुए, देखो भाई तुम्हारी मां के पति यानी उस महिला के पापा हुए, पापा की बहन, अच्छा पापा, इस लड़की के पापा की बहन तो बुआ कहलाएगी, और वो लड़का क्या बोल रहा, कह रहा है तुम्हारी मां के पति की बहन यानी बुआ मेरी भी बुआ है, यानी मेरी बुआ है, तो जाहिर सी बात है जब दोनों की बुआ है तो ये जो महिला है इस लड़के से नहीं, इस आदमी से किस प्रकार संबंधित होगी, यानी महिला आदमी की सिस्टर लगेगी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर। और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने सिस्टर लगाया है, बहुत शानदार आंसर दिया है। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, और केवल और केवल आप लोगों को 20 सेकंड में आंसर देने का, यह मत सोचिएगा कि सर आप लोगों को सफिशियंट टाइम देंगे, इसके लिए केवल 20 सेकंड काफी है, जल्दी से आप लोगों को आंसर देना होगा। हां जी बिल्कुल, हम साइड हो गए, बताइएगा आंसर क्या है रहा,
अरे टाइम इज ओवर भाई मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताइएगा, अगर आप सभी टर्म काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है नहीं, चार चार पे टूटेगा। चलो भाई तोड़ देते हैं। यहां पे कुछ हमको एक चीज समझ में आ रही भाई, डबल जी ए एन, आपने बोला यस सर, ये लॉजिक आपको समझ में आया, यस सर, डबल जी ए एन, तो क्या हम लोग यहां पे डबल जी ए एन नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। तो क्या यहां पे डबल जी और ए एन नहीं करेंगे? सर मालूम है सीरीज कैसे बन रही, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, और यहां पे डबल जी, इसको तोड़ दो, तो सर ये आपकी साइक्लिक घूम रही है, डबल जी ए एन, डबल जी ए एन, तो यहां पे घूम के ऐसे आएगी डबल जी एन, यानी जी डबल एन और जी, देखो कहीं ऑप्शन में है, तो आपने बोला जी डबल एन जी ऑप्शन नंबर ए में है। कितने बच्चों ने ऑप्शन ए को टिक किया भाई? तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोग का आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब, अरे भाई ये क्या है, इसमें से टिक लगा हुआ है, अरे भाई ये तो टिक लगा हुआ है, हटा दो भाई, जब टिक लगा है तो हटा दो, किसी काम का नहीं है भाई, टाइपिस्ट से कोई गलती हो गई होगी, इसने भाई टिक लगा दिया है, तो कोई मतलब का नहीं बनता है क्वेश्चन, टिक का मतलब आप लोग यही आंसर दोगे ऑप्शन नंबर ए, गलत बात है। अब दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग को यह बताना होगा कि सर जो ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन है, सभी स्टूडेंटों को आंसर देना होगा। हाँ भाई बिल्कुल, हम साइड हो जा रहे हैं, मिथुन घोष बहुत बढ़िया भाई, ऋचा शर्मा, कुलदीप कुमार, रवीश कुमार, लवेश मीना, आलोक कुमार, राधा देवी, बहुत बढ़िया भाई लाजवाब, बहुत बढ़िया लाजवाब आंसर। अच्छा देखो गलत तो आंसर नहीं दोगे ना आप लोग, पक्का बोलो, प्रॉमिस करो गलत नहीं दोगे। अच्छा देखो टाइम कितना ज्यादा हो गया भाई, हम 30 सेकंड देते हैं, उससे ज्यादा समय दे दिया, एक बार नंबरिंग करके, आप कहते थे ना सर नंबरिंग करो, तो आप लोग भी नंबरिंग करके आंसर देना भाई, जल्दी से बता दो नंबरिंग करके आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे शुभम बोल रहे हैं 12, 12, 12, लॉक कर दिया जाए 12 को। अच्छा देखो आपने बोला बड़े आराम से, जो बच्चे 12 बोल रहे हैं, आइए हम आपकी बात को सही करें कि गलत करें, आपको क्या लगता है केवल 12 होंगे? अगर हम इसका अलग आंसर दें तो क्या करोगे भाई? देखिएगा इसमें आंसर क्या आ रहा है, बस इस चीज को देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक देखो भाई स्ट्रेट लाइन बराबर क्या होती है, बोलते हो सर जी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन को जोड़ दो, तो इसमें हॉरिजॉन्टल तो एक है ही नहीं, केवल कौन सी लाइन है, वर्टिकल और इंक्लाइंड, तो एक लाइन ये, दूसरी ये, ठीक है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, सर 9, ये 10, ये 11 और ये 12, तो टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का 12। इस डायग्राम में जो टोटल सरल रेखाएं हैं वो 12 है। कितने बच्चों ने आंसर दिया? तो मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल शानदार आंसर आ रहा है। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिए गए, मेरे प्यारे बच्चों बड़े गौर से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा है, चार ऑप्शन है जिनमें से 3 एक समान है और एक बिल्कुल हटके है, तो ये आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही अलग है। टाइम स्टार्ट, हां जी बताइएगा, टाइम स्टार्ट हो चुका है और जवाब आप लोगों को देना है। हां बिल्कुल, हम कुछ नहीं बोलेंगे, टाइम इज ओवर, ठीक है बच्चों, थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या लग रहा है लॉजिक, तो बताइए लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार आंसर दे दो भाई, मिथुन घोष बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए, अरे वाह क्या बात है, इस बार गलत करने की मतलब गलत करना चाहते हो मिथुन घोष, जल्दीबाजी में गलत करना चाहते हैं आप, हम आप ही से कह रहे हैं। अच्छा और बताए कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, कुलदीप बोल रहे हैं डी, अच्छा वाह कितनी अच्छी बात है, इसमें लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो आप लोग, क्या सोच रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ आप लोगों के सामने है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और कोई स्टूडेंट जो सही आंसर दे, रवीश कुमार बोल रहे फू, अच्छा बिल्कुल सही रवीश कुमार, पकड़ लिया आपने फू, एफ यू आपका आंसर, यानी यहां पे बी होना चाहिए। अच्छा देखो भाई डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, यस सर, और एच का अपोजिट एस होता है, ठीक है, डी डब्ल्यू, हमने आपको याद रखा था माउंटेन ड्यू, तो ड्यू से डी डब्ल्यू, हस तो एच एस। अच्छा देखो भाई बाय बाय तो बी का अपोजिट वाई, जेब कतरा तो आपने बोला जे क्यू या जोकर, टी का अपोजिट जी होता है, और इसी प्रकार सी का अपोजिट एक्स होता है, क्रैक्स। तो बच्चों एक बात बताओ, पी के मूवी तो पी का अपोजिट के, लेकिन हमने कहा था भाई
एफ का अपोजिट यू होता है, उफ याद कराया था। तो बच्चों ये तो वी है ना, सभी अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं है, यहां पर यू होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल अलग है। बताओ छोटी सी बात आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? जब एग्जाम में बैठोगे तो गलतियां करोगे, बिल्कुल ऐसा ना करो। जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी सीखना है, इस मॉक टेस्ट में पूरा आप लोग सीख लीजिएगा, हर गलती को अलग कर दीजिए, तभी कहते हैं बिल्कुल टाइम से आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलो भाई, अब ऐसा तो नहीं बोलोगे, ये आप लोग के प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसके बावजूद भी हम जानते हैं बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे। लैंग्वेज पढ़िएगा और बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, बिल्कुल गलत नहीं करना है, इस बात को समझ लीजिएगा, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी होंगी, बस बढ़िया वाला जो अच्छा हम साइड हो जाए तो हम बिल्कुल साइड हो गए हैं, साइड तो हम बिल्कुल हो गए हैं, बस आप लोग के जवाब क्या हो सकता है। अच्छा बहुत सारे बच्चे काफी लेट से आते हैं, क्या बात है भाई, जब आधे क्वेश्चन आधे से ज्यादा हो जाते हैं तब आप लोग आते हैं भाई, मैक्सिमम बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा भाई। पूजा गुप्ता नमस्ते, लेकिन इतना लेट, टाइम इज ओवर। अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा, लाल रक्त, देखो भाई कथन क्या है, लाल रक्त जो है ना, कोशिकाओं की उपस्थिति कारण रक्त का रंग लाल होता है। देखो भाई क्या कहा गया, लाल रक्त कोशिकाओं, आपसे यह कहा गया है जो लाल रक्त कोशिकाओं की जो कोशिकाएं, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो खून है, ब्लड का कलर लाल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। बात समझ में आ गई? अब यहां पे निष्कर्ष ये है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना रंग खो देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है, सही है। जब तक रक्त रहेंगे, कहा गया जब तक ब्लड रहेगा तब तक लाल रक्त कोशिकाएं लाल रहेंगी। अरे भाई ये तो उल्टा कह रहा, बिल्कुल नहीं होगा, केवल पहला जो निष्कर्ष है ये अनुसरण करता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखने की बारी है कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। सभी बच्चों का डी बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा देखो क्या आप लोग इसका सही गलत जवाब दोगे, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं सर बहुत इजी है, और अगर इजी है तो केवल 20 सेकंड में इसका जवाब देना होगा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर देंगे, बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। देखो भाई जल्दी से आप लोगों को आंसर देना होगा, अर्ष श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर डी, दिलीप कुमार, ठीक है भाई बहुत बढ़िया शानदार, एक बार आंसर तो दीजिए आप लोग, टाइम इज ओवर। अच्छा देखना है कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, हम भी तो देख ले भाई यहाँ पे। अर्ष श्रीवास्तव क्या बोल रहे हैं, डी ऑप्शन बोल रहे हैं। अच्छा कितना आप लोग लेट आते हैं हमको ये नहीं समझ में आता है, जब क्वेश्चन 20 हो जाते हैं तब आप लोग एंट्री करते हैं, क्या कारण है भाई एक बार बता तो दीजिए। अच्छा योगेश सर के पास पढ़ रहे थे, अच्छा ये क्लास जो है वेरी कर रही है, चलो भाई कोई नहीं, हम लोग थोड़ा सा टाइम को देखते हैं सेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ध्यान दीजिएगा, अगर एक बात और है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन बच्चों का छूटा है एक बार वो क्लास को स्टार्टिंग से देखेंगे, अगर उनको समय नहीं मिल पा रहा है, टाइम वेरी कर रहा है, तो एक बार भाई पूरी सीट को देख लेंगे। बच्चों ये बताओ क्या आंसर दे रहा हूं, अब तो समय मिल गया होगा, आंसर दे दो। पूजा गुप्ता बोल रही है डी को लॉक कर दो, बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाई। अगर पांच में तीन का गुणा करते हैं पांतिया 15 यानी ये हो गया ओ, सर दोतिया 6 यानी एफ, सातिया 21 यानी यू, तो बताओ चारतिया 12 यानी एल, छैत्री का 18 यानी आर, और आठरी का 24 यानी एक्स। देखो किसी ऑप्शन में दिया गया एल आर एक्स, तो आपने बोला यस सर, गलत 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 जिन बच्चों ने आंसर दिया, सर यहां पे पूजा गुप्ता गलत हो गया भाई, ऑप्शन सी राइट होगा, एल आर एक्स तीन गुना किया गया है, बिल्कुल ही गलत आंसर नहीं देना होगा, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन अलगर सामी, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया था। अब रहा यह क्वेश्चन, आप लोगों के सामने कहा गया है कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, और इनमें से बिल्कुल एक विषम है, जिसको छांटना बताओ, इन चारों में तीन एक समान है और एक बिल्कुल हटके है, तो बताओ इसमें सबसे अलग कौन सा है। टाइम स्टार्ट केवल 20 सेकंड। विवेक, विक्की शर्मा, लवलेश, लवेश मीना, अर्ष श्रीवास्तव, ऋषा शर्मा, विनीता कुमारी, ठीक है भाई ये डी वाले जो डी दे रहे थे भटाले में डी नहीं होगा, ओनली शी होगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। भाई नवीन कुमार बोल रहे हैं सर 10:68 देखते हैं क्या, अरे टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, ये 10:68 बोल रहे हैं। अगर एक बात बताओ 12 में 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, मेरी बात सुनिएगा,
12 में 6, अरे देखो हम क्या करें, 12 गुणे 6 और 3 जोड़ दो, तो सर जी बोला आपने 12 छिंग 72, हमने कहा अब अरे 12 छिंग 72 3 75 होगा भाई। अब सुनिएगा जरा इसको देख लो, 16 छक्का 96 और 3 जोड़ेंगे तो 99। जी गुरु जी, अब ये कितना होगा, तो सर 14 गुणे 6 कितना होता है 84 में 3 जोड़ेंगे तो 87। तो प्यारे साथियों अगर 10 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का तो 60 होगा, 3 जोड़ोगे तो 63 होगा, यहां पे तो 68 लिखा है इसलिए बी बिल्कुल अलग होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइएगा, वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा कि जो ये डायग्राम दिया गया है बताइए इस दिए गए डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल हैं, ट्रायंगलों की संख्या बतानी है, ठीक है बताइएगा ट्रायंगल कितने हैं। अरे कुछ कठिन नहीं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आंसर तो दीजिए आप लोग। दिलीप कुमार, फारूक, कनिष्क भारती, ठीक, विनीता कुमारी, सुमन यादव, बिल्कुल सही आंसर है, किरण सी गलत है भाई, केवल बीवालगर सैमी बिल्कुल सही आंसर है, शुभम शुभम प्रसाद, अर्ष श्रीवास्तव, लवेश मीना, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत लाजवाब बहुत बढ़िया वाला आंसर दे रहे हैं। अब बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, अरे टाइम तो हमने बहुत ज्यादा दे दिया, आप क्यों नहीं बता रहे हो आप लोग आंसर। योगेंद्र कुमार सर आप भी इसी क्वेश्चन के, हाँ बिल्कुल भाई जो ये क्वेश्चन, एक मिनट भाई एक छोटी सी बात है आप लोगों को, पहले हम बता दें यहाँ पे जो हम ये आप लोगों को करा रहे हैं इसकी पीडीएफ आप लोग की लोड की जाती है, आप लोग पीडीएफ भाई इसकी है तो सभी बच्चे पीडीएफ भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा पीडीएफ की जो फैसिलिटी है आप लोग को अवेलेबल है, इस बात को ध्यान देना है। अब देखो बच्चों इसमें क्या रहा है, कितने ट्रायंगल है बता दो, कितने ट्रायंगल है एक बार तो बताइए, इसकी पीडीएफ अवेलेबल है भाई, पीडीएफ जरूर मिलेगी। किरण भाई बोल रहे हैं यहाँ पे 51, अच्छा एक बात बताओ इसमें कितने ट्रायंगल, एक छोटी सी बात है जो बच्चे इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, जो कह रहे हैं सर बहुत अरे कठिन कहां है भाई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 × 2 = 16, इसमें 16, इसमें भी वही कंडीशन 16 और इसमें भी यही कंडीशन 16, तो 16 × 3 = 48 हो गया, 48 के बाद ये 49 हो गया, ये 50 हो गया और ये 51 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 51। क्लियर हो गई होगी हमारी बातें, सबको समझ में आ गई होंगी और सभी बच्चों ने यही आंसर दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से सब लोग सभी बच्चे जवाब देंगे, बोलो भाई ओनली 20 सेकेंड का समय है और आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब देना होगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा फिर आंसर दीजिएगा, जल्दीबाजी में कुछ गलत मत कीजिएगा, बड़े गौर से देखो लॉजिक क्या लग रहा है, एक बार तो आप लोग सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 यानी 20 के बाद सभी बच्चे एंट्री मारते हैं, क्लास चलती है भाई योगेश सर की, इसलिए आप लोग को मतलब दिक्कत हो रही है, कोई नहीं भाई देखते हैं इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, टाइम को थोड़ा बहुत मैनेज किया जाएगा, जल्दी से बताइएगा, टाइम इज ओवर। अच्छा आंसर क्या रहा है इस बार, क्योंकि भाई बड़े आराम से अभी ये दो क्वेश्चन जो लास्ट सेकंड लास्ट होगा बड़े आराम से कराएंगे, बताओ आंसर कितना आ रहा है, 131, बहुत अच्छा आंसर है भाई, एक बात बताइए 132 जो है ये कट जाएगा किससे भाई, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, अगर हम बात करें तो सर ये 19 से कट जाएगा, ठीक है 17 से कट जाएगा, तो भाई यहां पे आपने बोला सर एक छोटी सी बात है ये तो कट जाएगा, ये सभी कट रहे लेकिन सर 131 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए सर क्योंकि ये प्राइम नंबर है बाकी कोई प्राइम नंबर नहीं, इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल अलग होगा, बहुत शानदार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब ये रहा आप लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब आंसर देंगे, टाइम 30 सेकेंड और सभी बच्चों को कोशिश करना है कि बढ़िया वाला जवाब देना है, अगर आखिरी क्वेश्चन है तो जवाब बढ़िया वाला रहेगा, एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर देंगे, बता दो भाई आंसर क्या रहा है, हाँ बिल्कुल हम साइड हो गए, बिल्कुल हम साइड हो गए हैं, बस जवाब आप लोगों को देना होगा, ठीक बहुत अच्छा भाई, ठीक विवेक शर्मा बिल्कुल भाई आप लोगों का सही है, अब बताइए इसमें आंसर क्या आ रहा है, अच्छा विक्की शर्मा सॉरी भाई विक्की शर्मा, हरेंद्र कुमार ऑप्शन नंबर सी, ठीक है अब देखो मेरे प्यारे साथियों इसका लॉजिक क्या आएगा, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, इसमें नंबरिंग करके आंसर दीजिएगा भाई, बिल्कुल ही नंबरिंग करके आंसर देना होगा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया वाला क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एक बार तो आंसर दे दें,
ऑप्शन सी, नहीं भाई। अच्छा अब तो बताइए क्या आंसर है, नहीं बताओगे आप, बताओगे हम बताए, कोई तो एक बच्चा आंसर दे दे। मिथुन घोष भाई आपका भी आंसर नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो सर ये एक जो है 124 है ठीक है और ये 511 है, एक बात बताओ ये किसके क्यूब के करीब है? आपने बोला 5 के क्यूब के करीब है, किसके क्यूब के करीब है? अरे किसके क्यूब के पास में है? तो आपने बोला सर ये 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 होता है और 125 में अगर आप एक घटा दोगे तो 124 आएगा। बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर करके एक जोड़ दो तो कितना आएगा? सर 25 में एक जोड़ो 26। आपने कहा ये सर क्या रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक है। इसी प्रकार ये 8 का क्यूब है और 8 का क्यूब करके एक घटा दोगे यानी 512 में एक घटाओगे तो 511 और इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करके एक जोड़ दोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और एक जोड़ेंगे तो 65, तो राइट आंसर आएगा 65 और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो कितने बच्चों ने सही जवाब दिया भाई, यहां पे जरा देखे मिथुन घोष 65, बहुत शानदार गजब। तो बच्चों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।